हाय एवरीवन, वेलकम बैक. दिस इज़ जागृति एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल. तो भाई मैं अभी ऑफिस आई हूँ, थक गई हूँ, सो इसीलिए मैं आपको ऐसे दिख रही हूँ एकदम झल्दी टाइप. ओके, तो आज मैं आपके साथ एक हॉल शेयर करूँगी जो कि होने वाला है थोड़ा सा डेकोरेटिव मटेरियल के ऊपर, क्योंकि अभी दिवाली आ रही है जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ. ऑब्वियसली अक्टूबर है तो यू नो क्या. सो दिवाली आ रही है और मैंने और मेरी दीदी ने मिल करके थोड़ा थोड़ा सामान ऑर्डर करा था ऑनलाइन, और ये तीन चार ऐप से हम लोग ने किया था, लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो. सो ये एक मिक्सचर वाला टाइप का हॉल होने वाला है अलग अलग जगह से, एंड जो भी हमने प्रोडक्ट लिए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी. सो प्लीज़ चेकआउट कर लेना, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल ऑर्डर करना. और हाँ, तो मैं आपके साथ ये फेस्टिव सीज़न डेकोरेशन का हॉल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बट मैं ऐसे नहीं करूँगी क्योंकि मुझे सिर दर्द भी हो रहा है, इसलिए मैं कुछ भी बोल रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है. क्योंकि मतलब एक होता है ना, एक परफेक्ट जो नॉट परफेक्ट बट एक जो सिंक में वीडियो बनती है, जो सिंक में आपके वर्डिंग्स निकलते हैं, तो वो नहीं निकल रहा मेरे, क्योंकि मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे अदरक की चाय चाहिए. कोई बात नहीं, तो मैं ये शेयर करती हूँ. एंड फर्स्टली मैं फ्रेश होकर आती हूँ, उसके बाद में शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं बना पाऊँगी वीडियो. ठीक है, तो चलो फटाफट से जाते हैं, चेंज करके आते हैं. एंड मेरा वेट करना, गिव मी 5 सेकेंड, फटाफट से आती हूँ. और मुझे कुछ बोलना था, क्या बोलना था, हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना, इस अकाउंट से है अब मेरा, क्योंकि जो मेरी पहली आईडी थी डांसिंग डाइटिशियन वो हैक हो चुकी थी, और उसमें मेरे इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स थे, लाइक फॉलोअर्स थे, 800 समथिंग कुछ हो गए थे. सो मुझे बहुत दुख होता है. कोई बात नहीं, सब हो जाएगा फिर से. सो यस, लेट्स बिगिन. सो ओके, सो आई एम बैक, एंड चलो फटाफट से दिखाती हूँ आपको सारे सामान. सबसे पहले मैं छोटे से स्टार्ट करूँगी बड़े की तरफ, बट एक चीज़ है जो मेरे पास बड़ी थी और वो ओपेंड है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को पहले वही दिखा देती हूँ. ये इतना बड़ा, ये हमने वॉलपेपर थे इसमें, जो आप ये पीछे देख लो, ये हमने ऑर्डर करे थे फ्लिपकार्ट से, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आए हैं. और मैंने ये सारी चीज़ें सेल पे ली थी दोस्तों, सो प्लीज़ अगर आप लोगों को जैसे कभी बाद में लेना है और यू नो प्राइजेस बढ़ गए हैं, सो उसमें मुझे वो मत कर देना कि अरे यार तुमने तो इतना सस्ता लिया, मुझे इतना महंगा क्यों बता रही हो. सो तो हाँ, तो सेल पे ही लिए सारे सामान मैंने सेल पे लिए हैं, मतलब चाहे मीशो हो, चाहे अमेज़ॉन हो, चाहे ये फ्लिपकार्ट का हो. तो पहला प्रोडक्ट था ये वॉलपेपर, और लेट मी शो यू, इसकी एक शीट अच्छी खासी लंबी है, मतलब चौड़ी और बड़ी है, मतलब आप देख सकते हो ये ऐसा है. ठीक है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है. अगर आपको घर पे पेंट नहीं कराना है तो आप अपने घरों पे ये वॉलपेपर लगा सकते हो. और इसको लगाने का एक तरीका है, कभी भी ना इसको सीलन वाली जगह पे अगर आप लगा रहे हो, तो जो सीलन है पहले उसको ढकना पट्टी से, POP से, या फिर सीमेंट करके उस पर वाइट पेंट करके तभी लगाना. वरना अगर आप डायरेक्ट सीलन पे लगाओगे तो वो ना सी थ्रू है, थोड़ा हल्का है ये, तो वो दिखेगा. ठीक है, तो हमने ये गलती कर दी थी, हमने ना पेंट नहीं करा और हमने डायरेक्ट लगा दिया, तो थोड़ा सा ना वो जो जितने जितने पार्ट में सीलन है तो वो दिख रही है. तो उसका भी मैं आपको चीज़ें दिखा दूंगी कि वो कैसी दिख रही है. सो यस, फर्स्ट वॉज दिस प्रोडक्ट, जो कि काफ़ी हमें अच्छा लगा. इसमें कलर्स आपको मिल जाते हैं, पिंक कलर में था और बेबी पिंक कलर में था, बट मुझे और मेरी सिस्टर को वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है, सो हमने वाइट ऑर्डर करा. और आप ये वॉल पे पीछे देख सकते हो, आपको मैं क्लोज लुक दिखा दूँ, देखो ये इतना लाइट है. मैंने इसमें अपनी वॉल पे ना पहले पेंट करी थी, हैंड पेंटिंग, और ऐसे हार्ट्स बनाए थे, तो ये दिख रहे हैं, सी थ्रू है, बट ऑल ओवर अगर देखा जाए तो इट्स वेरी गुड. आप इसको खरीद सकते हो अपने घर पे, मतलब वॉल को डेकोरेट करने के लिए. एंड देन नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये, जो कि मैंने मीशो से लिया था, और ये हैंगिंग्स हैं, वॉल हैंगिंग्स टाइप की हैं ये, और इट लुक्स लाइक दिस, बर्ड्स हैं ये, और इसमें ना मतलब साइज़ हैं, मतलब साइज़ इन द सेंस की जैसे ये दो जो बर्ड्स हैं, ओह गॉड, ये दो बर्ड्स के साइज़ सेम है. ठीक है, एंड देन अलग अलग साइज़ में हैं, दो बड़ी हैं एंड दो मीडियम साइज़ की हैं, ये और ये वाली. और इसकी क्वालिटी हम लोगों को बहुत अच्छी लगी है दोस्तों, सच्ची बता रही हूँ, मतलब इतनी नीटली ये पेंट भी है इसमें करा हुआ, और ये जो इसके ये लटकन्स हैं ना, ये बहुत बहुत प्यारे तरीके से इसको मतलब करा गया है. लाइक एक मैंने पहले भी लोटस टाइप का
था लटकन वो मंगाया था, तो उसके जो ये ऐसे बीड्स और थ्रेड थे ना वो टूट रखे थे जब वो हमें रिसीव हुए तब। सो मैंने उसको रिप्लेस करके ये मंगाया एंड ट्रस्ट मी ये बहुत प्यारे हैं और इसको आप मतलब सिमेट्री में या एसिमेट्रिकल भी लगा सकते हो। नाउ द थर्ड प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो फ्रॉम मीशो जो कि मुझे काफ़ी लंबे अरसे से चाहिए थी क्योंकि मैं डांस की वीडियोस बनाती हूँ, मतलब वीडियोस इन द सेंस की रील्स बनाती हूँ। सो मुझे चाहिए था कि मुझे ना थोड़ा सा डेकोरेशन चाहिए। सो आज प्रोडक्ट देख लो आप लोग, ये हैं और ये भी काफ़ी अच्छे आए हैं भाई। कलर देख रहे हो आप, शाइन देख रहे हो, नीटनेस देख रहे हो, मतलब ये बहुत ही बढ़िया आए थे। सो यस आई लाइक इट। और इसमें भी आपको दो साइज़ मिल रहे हैं, एक बड़ा है मतलब दो बड़े साइज़ और दो मीडियम साइज़ के हैं। सो प्यारे हैं, देख सकते हो आप, कलर अलग अलग हैं तो आप अपने हिसाब से जैसे चाहो आप इन्हें वैसे यूज़ करते हो। आप दो भी लगा सकते हो, आप तीन चार जो चार हैं मेरे पास तो मैं चारों भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं दो भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं तीन भी यूज़ कर सकती हूँ। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे यूज़ करना है। सो यस, आवाज़ भी आ रही है, अगर इतने बड़े झुमके होते तो लोग घायल हो जाते देख के। सो यस दीज आर द प्रीटी डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी ऑर्डर करे थे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो तो नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएगा आपको, बट मैंने मीशो से मंगाना प्रेफर किया क्योंकि पता है मीशो में काफ़ी सही मिल रहे थे यार, मतलब पांच के सेट मिल रहे थे एंड दे वर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये हैं वो, इतना बड़ा पैकेट आया था ठीक है, एंड इसमें पांच हैं, पांच ऐसे झालर टाइप्स लड़ियां हैं जो बोलते हैं आप इसे, एंड ये देख सकते हो। ये बस इसमें एक चीज़ मुझे ख़राब लगी है कि इसका जो ये है ना, मतलब ये जिस भी चीज़ से बना है, ये जो इसका मटेरियल यूज़ हुआ है ये गिर रहा है ठीक है, ये मतलब गिर रहा है इन द सेंस कि बहुत ही नाजुक टाइप का बना के दिया है उसको। बट हाँ वन टाइम आप मतलब एक ही बार इसको लगा के एकदम बस दूर हो जाओ, उसके बाद से इसको छुओ भी मत, ऐसा वाला है, तो ये ना झड़ने लगेंगे। तो ये था और ये था जो सेम है, इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि है लेंथ वाइज अच्छा है, बढ़िया लेंथ है देख सकते हो आप ठीक है, लगाने में काफ़ी काम आएगा, बस ये झड़ रहा है। सो ये भी अच्छा था एंड मैंने ना ये दो ऑर्डर करे थे एंड मुझे नहीं पता मीशो मेरे पे मेहरबान हो गया कि क्या, उन्होंने मुझे ये मिक्स वाले भी दे दिए, मतलब येलो ऑरेंज वाले। सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच मीशो। बट ये मेरे पास फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मतलब दी दूँ, पता नहीं कैसे किसी दूसरे को ऑर्डर तो नहीं दे दिया मुझे, बट नहीं नाम तो मेरा ही लिखा है। सो ये था हमारा फोर्थ प्रोडक्ट एंड ये देखो यही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है इसमें, बाकी इट्स प्यारा ठीक है, मतलब काम चला हुआ, अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो बट सही है। सिक्स्थ प्रोडक्ट इज़ समथिंग जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था क्योंकि मैंने ये बहुत जगह पे देखा है, इवन मैंने होटल्स में भी देखा है एंड बहुत आई कैचिंग लगते हैं ये जब ऐसे डेकोरेटेड रहते हैं तो लोग इसमें, पहले मैं दिखा देती हूँ तब बात करती हूँ। सो दिस इज़ बुली बोल एंड ये जो मेरे पास आया ये बहुत ही स्मॉल, नॉट स्मॉल, मीडियम साइज़ कह सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग शेप्स एंड साइज़ में आता है, तो आप अपने हिसाब से उसमें देख सकते हो मीशो में एंड आप ऑर्डर कर सकते हो। बट मैंने छोटा ही मंगाया है क्योंकि फॉर द टाइमिंग ही मुझे यूज़ करना था, बहुत लंबे पर्पज़ के लिए मैंने इसको नहीं मंगाया, इसको यूज़ करके मैं फिर रख ही दूंगी। सो ये मुझे चाहिए था काफ़ी टाइम से क्योंकि ये एज अ डेकोरेटिव पीस बहुत प्यारा लगता है, लोग इसमें आपने देखा होगा वाटर रख के पानी डाल के फिर इसमें फ्लावर्स और यू नो फ्लोटिंग कैंडल्स डाल के यूज़ करते हैं, तो मैं भी इस दिवाली इसका यूज़ करूँगी कुछ अच्छा। तो अगर आपको पसंद है आप इसे ले सकते हो, बस इसमें दाल चावल मत खाना। और अगर आपको ये मतलब एज अ डेकोरेटिव मटेरियल नहीं यूज़ करना है तो आप इसमें एक बहुत अच्छा काम कर सकते हो, जैसे आप लोग अगर ऑफिस गोइंग हो वुमेंस तो आप इसमें अपनी ज्वेलरी रख सकते हो फॉर द टाइमिंग के लिए कि जैसे आपको तुरंत तैयार होकर के आपको तुरंत जाना है तो आपने यहाँ मतलब उठाया अपना ज्वेलरी और पहना और फिर चल दिए फिर वापस आए तो उतार के इसमें रख दिया। सो यस इट इज़ आई थिंक सो कि मल्टीपर्पज़ है, बस हाँ भाई जो मैंने बोला कि दाल चावल मत खाना, सो बेइज्जती हो जाएगी इसकी। सो यस दिस वॉज द सिक्स्थ प्रोडक्ट, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा जो मैंने मंगाया था वो है मीशो से अगेन ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये डेकोरेट होने के बाद बहुत अच्छा लगता है, लाइक नॉट डेकोरेट क्योंकि ये ऑलरेडी गोल्डन कलर में, तो पहले मैं दिखा देती हूँ। ये है
ये दिया सेट है, इसमें मतलब लगे हुए हैं, अटैच्ड हैं दियाज, और ये 10, इसमें 10 दिया है, बीच में एक बोल है। बस मुझे जो डर लग रहा है कि कहीं इसका जो ये गोल्डन कलर है वो निकल ना जाए, तो इसको मतलब बस वही है कि आप यूज़ करके जैसी दिवाली खत्म होती है या कोई भी फेस्टिव सीजन खत्म होता है तो आप इसको अंदर रख दो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे, वॉश करोगे, तो मे बी इसका कलर उतरे। तो मैंने ये मंगाया था फॉर रंगोली, क्योंकि अगर जैसे हम रंगोली बना रहे हैं उसको हम इसके बीच में रख सकते हैं, मतलब रंगोली के बीच में हम इसको रख सकते हैं। इसको हम डेकोरेट करके रखेंगे। यार इसमें भी आप वही कर सकते हो कि आपने पानी डाला, फूल की पत्तियां डाली एंड फ्लोटिंग कैंडल्स डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत प्यारा लगता है, मतलब रात में तो बहुत ही सुंदर लगता है, जगमगाता हुआ एकदम। सो यस, दिस वॉज माई 7th प्रोडक्ट। इसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, स्टर्डी है काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुड़ने मुड़ने वाली नहीं लग रही है, बाकी तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। ऑलराइट, सो लास्ट प्रोडक्ट है अमेजोन से, जो कि हमने कुछ टाइम पहले मंगाया था, और उससे मैं थोड़ा सा खुश नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने प्रोडक्ट देखा मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो पहले बता देती हूँ कि दिवाली पे हमने सोचा था कि कुछ एक नया इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेंगे धनतेरस पे, मतलब। हुआ ये कि डिसाइड हुआ मेरा और दीदी का कि या तो टीवी लेंगे या तो फिर वैक्यूम क्लीनर लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वैक्यूम क्लीनर भी हमारे लिए। टीवी हम लोग ने नहीं लिया क्योंकि उतना कोई देखता है नहीं, सिर्फ मैं, मम्मी और मेरी बहन है, तो हम लोग देखते नहीं हैं। तो हमने सोचा कि वैक्यूम क्लीनर लेते हैं, क्योंकि आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा है, रील्स में देखा है, शॉर्ट्स में देखा है कि मेरे पास एक पेट है कोको, तो उसका जो है बाल बहुत झड़ते हैं और इधर उधर भी बहुत ज़्यादा डस्टिंग वस्टिंग करते हैं तो निकलते बहुत हैं, तो वैक्यूम क्लीनर अच्छा रहेगा लेना। तो हमने ये लिया था, ये अगारो का वैक्यूम क्लीनर है। और इसका बस एक प्रॉब्लम था कि जब ये आया ना, तो एक तो बॉक्स पूरा खुला था, ठीक है, मतलब होता है ना टेपिंग वेपिंग होके आती है, ये पूरा बॉक्स खुला हुआ था, एंड इसकी सिर्फ इतना पार्ट आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक बस इतना पार्ट आया। नीचे का जो ये वाला बॉडी होता है, ये जहाँ से सक्शन होता है, यहाँ से हम लोग, जहाँ से डस्ट एंड डर्ट यहाँ इस बॉक्स के अंदर जाती है, वो है ही नहीं। तो हमने इसे रिटर्न के लिए डाल दिया है, एंड मतलब ऐसा दिमाग ख़राब हुआ ना कि भाई इस डंडी को मैं कहाँ यूज़ करूँ, किसी खोपड़ी में मारूँ, बताओ, है ना। इस ये देखो बाकी का पूरा डब्बा खाली है, ठीक है। तो मतलब क्या कहते हैं, ये ऐसे ही आया था। दिमाग ख़राब हो गया, दीदी बोला कि चलो हटाओ, अब हम लोग इसको नहीं लेंगे, मतलब नहीं लेंगे इन द सेंस कि हम इसे रिटर्न कर रहे हैं, एंड हम नॉर्मल या तो मार्केट से, शॉप से जाके ले लेंगे, या फिर हम फिर से ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। अगर आप एक पेट पेरेंट हो और आपके घर पे पेट्स हैं, मतलब बहुत सारे, कई लोग अच्छे लगते हैं ना, लोगों को तीन तीन चार चार पपीज़ रखते हैं और या फिर कैट्स रखते हैं, तो अगर आपके पास है तो आप वैक्यूम क्लीनर ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि उनका जब हेयरफॉल होता है तो वो जब नीचे गिरते हैं या इधर उधर विंडोज़ पे रहते हैं, मतलब इवन वो बेडशीट में भी लगे रहते हैं, कपड़ों में लगे रहते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। एंड कोई बाहर से आ रहा है, खाना खा रहा है घर पे आके आपके, और उनके खाने में बाहर निकल जाए, तब तो बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती टाइप की फीलिंग आती है। तो आप एज अ पेट पेरेंट आप समझते हो वो चीज़, लेकिन दूसरा नहीं समझता है, दूसरों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं यही कहूँगी कि अगर आप एक पेट पेरेंट हो तो प्लीज़ वैक्यूम क्लीनर अपने पास रखो, ताकि क्लीनलीनेस बनी रहे, लाइक क्योंकि वो अच्छे नहीं होते, अगर खाने में चले गए एंड आपने खा लिया तो वो अच्छा नहीं होता है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, मोस्टली लोगों ने पढ़ा ही होगा इस चीज़ के बारे में। दिस वॉज इट, एंड आई होप यू गाइज इन्जॉयड माई ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, एंड अच्छे से दिवाली इन्जॉय करना, खूब सारा मिठाई खाना, मतलब डाइट वाइट तो करना बट इन्जॉय करना, क्योंकि फेस्टिवल साल में एक ही बार आता है, डाइटिंग तो आप पूरे साल भी कर सकते हो। लेट्स एंड दिस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू एवरी वन, एंड येस, लास्टली आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, सेफ एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय।